कैसे ऐसा होता है कि जो एग्जाम्स के बेसिस पे हमारे एसटी एसटी ओबीसी के बच्चे टॉप भी कर जाते हैं, लेकिन जहाँ प्योरली इंटरव्यू होते हैं वहाँ हम है ही नहीं। वहाँ पे हम 2%, अभी वाइस कल ही की बात है, कल एक निकला था, 9 जो वाइस चांसलर यूपी में बनाए गए थे उसमें 9 महिला का था, लेकिन उस 9 महिला में एक भी एसटी एसटी ओबीसी का कोई भी नहीं, बहन कोई मीडिया ने नहीं उठाया। एससी का मार्क्स दिया जाए तो उनको 55 मार्क्स दिया जा रहा है, अगर तो ओबीसी को दिया जा रहा है आपको 59 से 60% मार्क्स, और अपर कास्ट जो है उनको 70 से 71%। ये 5% मार्क्स बहुत ही मैटर करता है। अगर आप रैंक इसके देखेंगे, यूपीएससी के जो रैंक होते हैं, तो कुछ दिन बाद अगर 1000 के ऊपर या 1000 के नीचे वाले रैंक में वो बहुत तेजी से भागता है और वो आउट हो जाते हैं उस इंटरव्यू के आधार पे। अंगूठा काटा जा रहा है एकलव्यों का, किसके द्वारा? द्रोणाचार्यों के द्वारा। नमस्कार साथियों, WTP से एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच, और आज मैं जो विषय पे चर्चा करने जा रही हूँ वो है स्क्रैपिंग इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू क्यों हटना चाहिए, इंटरव्यू क्यों गैर जरूरी है, इसको हटने से या इसको होने से किसको फायदे हैं, किसको नुकसान है। तो ये मैं बता देना चाहती हूँ कि इंटरव्यू होने से बहुजन समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान है, और जो रसूलदार लोग हैं, जो आपको सब जगह जिनकी कब्जा है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे मीडिया हो, या फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में बैठे हो, या IPS और IAS अधिकारी बन के बैठे हो, सचिव लेवल के रैंक के हो, उन सब लोगों को इससे फ़ायदा है, उनके बच्चों को फ़ायदा है, उनके परिवार को, नाते रिश्तेदारों को, उनकी जातियों को फ़ायदा है। जो 3% लोग हैं उनका ही फायदा है इस इंटरव्यू से, इसलिए इस पे आवाज़ उठनी ही चाहिए और इंटरव्यू ख़त्म होना चाहिए। सबसे पहले मैं आप लोगों को अगर आज़ादी के समय की बात ले चलूं, तो जब सब आज़ाद भारत देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद जस्ट 1950 में UPSC ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया था, जो इसका IAS PCS का जो एग्ज़ाम होता है UPSC का, उस एग्ज़ाम में जो अच्युतानंद दास, जिसके रिटेन में मार्क्स अभी हमारे पास यहाँ पे है, उसका रिटेन में मार्क्स था, जो टॉपर लिस्ट में आया उसका रिटेन मार्क्स था लगभग 800 कुछ मार्क्स थे उनके, 1050 में उनके 602 मार्क्स थे, है ना। लेकिन इंटरव्यू में उसको इतना ज़्यादा कम इन मनुवादियों द्वारा दिया गया कि वो टॉप रैंकर 40 से भी बाहर हो गया, और हमारे देश को एक पहला दलित, जो आज़ादी के पहला शुरू में जो मिलने वाला था कि दलित मिलता UPSC टॉपर, उससे हम वंचित रह गए। मतलब ये एक सिंपल उदाहरण है, उसी समय से अंगूठा काटा जा रहा है एकलव्यों का, किसके द्वारा? द्रोणाचार्यों के द्वारा। तो जो इंटरव्यू पैनल होते हैं उसमें जो चेयरमैन होते हैं उनके अंदर ही, जो पैनल में अगर हो सकता है SC/ST दलित अभी मिली है, महिला भी मिली है, जो 2015 में जो टीना डाबी, वो उसका नाम सुना होगा, वो दलित टॉपर, लेकिन क्योंकि उस समय इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा मार्क के था, लेकिन 1990 में कोर्ट में केस डाला, उसके बाद इंटरव्यू का जो मार्क्स था थोड़ा घटाया गया, 13.5% अब इंटरव्यू में मार्क्स जोड़े जाते हैं UPSC में, उस समय मार्क्स ज़्यादा था, उस समय ज़्यादा ही अंगूठा काटा जाता था, लेकिन अभी भी वो 5% या 10% का जो मार्जिन होता है, अगर आप UPSC का डाटा भी निकाल के देखिएगा, 2012-13-14 का भी हमारे पास डाटा है, उसमें मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उस डाटा में जैसे ST और ST/ST के जो मार्क्स का डिफरेंट है वो 5%, यानी कि अगर SC का मार्क्स दिया जाए तो उनको 55 मार्क्स दिया जा रहा है, अगर तो ओबीसी को दिया जा रहा है आपको 59 से 60% मार्क्स, और अपर कास्ट जो है उनको 70 से 71%। ये 5% मार्क्स बहुत ही मैटर करता है। अगर आप रैंक इसके देखेंगे, UPSC के जो रैंक होते हैं, तो कुछ दिन बाद अगर 1000 के ऊपर या 1000 के नीचे वाले रैंक में वो बहुत तेज़ी से भागता है और वो आउट हो जाते हैं उस इंटरव्यू के आधार पे ही। तो ये हटना चाहिए इंटरव्यू, किसी इसका एक यही उदाहरण नहीं है, आप लोगों को मैं इसे बता, अभी कुछ दिन पहले निकला था, जो पेपर में आप लोग ने सुना होगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की नातिन बनी IAS अपाला मिश्रा टॉप रैंकर 9। तो पता है उनको इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा गया था कि साड़ी के पल्लू के बारे में उनको सवाल पूछा गया था। तो इस तरह से जो इंटरव्यू पैनल में जो बैठे होते हैं और पैनल के जो मेन चेयरमैन होते हैं, उन सबकी मिली भगत से ये जो इंटरव्यू में अंगूठा द्रोणाचार्यों द्वारा काटा जाता है। अब हम ये बताना चाहते हैं कि किस किस फील्ड में इंटरव्यू होता है। आपको 2015 में प्रधानमंत्री जी ने
लाल किले से ये बोला था कि सी और डी की ग्रुप की एग्जाम्स में इंटरव्यू खत्म होना चाहिए, वो एक धोखा है, छलावा है, क्योंकि ग्रुप सी और डी का तो एग्जाम ही नहीं है, उन तो आउटसोर्सिंग हो गया, आउटसोर्सिंग के थ्रू उनकी बहालियां होती है। तो सिर्फ बच गए कौन, ग्रुप ए और बी, और ग्रुप ए और बी में कौन आते हैं, आईपीएस है, आईएएस हो गया आपका, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गया, आपको कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटीज में जो बहालियां होती है, वाइस चांसलर है, चांसलर का पोस्ट है, आपके लेटरल एंट्री, अभी मैं लेटरल एंट्री की चर्चा करती हूँ, अभी लेटरल एंट्री में जो अभी चर्चा हुई है 2018 का एक डाटा है जिसमें आईएएस जो यूपीएससी एग्जाम टॉपर्स होते हैं, एग्जाम्स 10 साल वो नौकरी के हो जाते हैं, उसके बाद वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे वो पहुंचते हैं, तो उस लेवल पे लेटरल एंट्री के नाम पर उन्होंने जो डीओपीटी जो सरकार की जो ब्रांच थी उन्होंने उनको अनुरोध किया यूपीएससी से, तो उन्होंने डायरेक्ट 10 पोस्ट निकाला और उसमें से 9 का जो ज्वाइनिंग किया पूरे के पूरे सारे अपर कास्ट थे, कहीं भी रिप्रेजेंटेशन के नाम पे एसटी एसटी ओबीसी नहीं है। तो इस वजह से ये हम लोगों के हक और अधिकार के का इसमें हनन हो रहा है। तो हम ये आप लोगों के जरिए लोगों तक आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं, सरकार की तरफ आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि किसी भी तरह से स्क्रैप इंटरव्यू हटना चाहिए, और क्योंकि हम लोगों के इस पे बिना पे क्यों ये होना चाहिए जो इंटरव्यू होता है। आगे मैं एक जगह से और मैं इसका देती हूँ उदाहरण। हाँ, एमपी सेवा आयोग जो मध्य प्रदेश का सेवा आयोग 2022 में स्त्री रोग विशेषज्ञ का पोस्ट निकला था 95, उसमें जब डाटा निकाला गया तो ओबीसी के 21 पोस्ट में उन्हें 38 से 55 के बीच में मार्क्स मिले थे और जनरल कास्ट को 75 से 89 के बीच मार्क्स मिले थे 100 नंबर में। और एससी का एसटी कास्ट वालों को 31 से 49 और एससी को 32 से 33। क्या सुखाप के कोई पर लगे हुए थे उन लोगों में कि उन लोगों को जो मार्क्स दिए गए वो आपको इतना ज़्यादा भैरी कर रहा था? तो ये एक तरह से हमारे साथ अन्याय है। और जो रिप्रेजेंटेशन का जो हमारा अधिकार है वो रिप्रेजेंटेशन, अभी सर ने भी बताया कि जातिगत जनगणना से ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे या फिर जो भी सभी आंकड़े सामने आ जाएंगे, और रिप्रेजेंटेशन आर्थिक सर्वे होगा तो उनका आंकड़ा भी सारा सामने आ जाएगा। तो सारा जो ये हक अधिकार है उसको कौन खा रहा है? अभी हमारे जो रसूलदार हैं, जो 3% लोग हैं, वही लोग हमारे बहुजन समाज का हक अधिकार को खा रहे हैं। और ग्रुप और ए बी की नौकरियों से छोटा फायदा नहीं होता था, अभी सर के यहाँ आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं किस अधिकार से? क्योंकि सर यहाँ पे आकर के कॉलेज में यहाँ प्रोफेसर हैं, तो उससे जो भी बहुजन समाज की मीडिया हो या हम लोग हैं, कोई भी यहाँ पे बोल रहा है, तो एक तरह से एक को फायदा नहीं होता है, उनके फैमिली परिवार से उनके गांव के भी कॉलर ऊंचे हो जाते हैं इस चीज से। तो ये एक तरह से हमारे हक अधिकार को छीना जा रहा है द्रोणाचार्यों द्वारा। और एक चीज और मैं इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि हमारे देश में लगभग 400 यूनिवर्सिटीज हैं, अगर सब पे कब्जा उन्हीं का है, कब्जा में कुलपति जो होते हैं, बड़े लेवल के जो सचिव हो, सारे उन्हीं लोगों के हैं, और डीएम हो, वो सारे उन्हीं लोगों के कब्जा है, लेकिन फिर भी हमारा देश टॉप 200 में भी विश्व के किसी भी कॉलेज का नाम नहीं है। तो जब वो इतने उनका इतने अच्छे से इंटरव्यू के आधार पर वो जज कर लेते हैं 5-10 मिनट में कि भाई ये बहुत ज़्यादा ये जो इसका इसको हम अगर हम ले लेते हैं तो कॉलेज में ये बहुत अच्छा कॉलेज को कर देगा, तो उतने 10 मिनट में वो इतना जज कर लेते हैं। तो उन्होंने ऐसा हमारे देश का जो कोई भी यूनिवर्सिटी अभी कोई भी टॉप 200 रैंक में क्यों नहीं है? तो ये सब जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि वो एक तरह से मनुवादियों द्वारा सोची समझी साजिश के तहत ये इंटरव्यू सिस्टम लाया गया, और उसको आपके मनुवादी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, रोज चिल्लाएंगे इंटरव्यू से ये पर्सनैलिटी टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू से उनको साइकोलॉजिकल, अरे आपको साइकोलॉजी ही टेस्ट की बहुत सारे मेंटल एबिलिटी टेस्ट कई एग्जाम्स में होते हैं, आप एग्जाम्स ले लो किसी भी तरह का एग्जाम, ये क्या जरूर कैसे ऐसा होता है कि जो एग्जाम्स के बेसिस पे हमारे एसटी एसटी ओबीसी के बच्चे टॉप भी कर जाते हैं, लेकिन जहाँ प्योरली इंटरव्यू होते हैं वहाँ हम हैं ही नहीं, वहाँ पे हम 2% अभी वाइस, कल ही की बात है, कल एक निकला था 9 जो वाइस चांसलर यूपी में बनाए गए थे उसमें 9 महिला का था, लेकिन उस 9 महिला में एक भी एसटी एसटी ओबीसी का कोई भी नहीं, कोई मीडिया ने नहीं उठाया, अभी संभी कुमार ने शायद उसको उठाया था, कल बोल रहे थे वो। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, क्योंकि उन सबका नेक्सस है, जुडिशियरी में वही बैठे हैं, आपके ग्रुप ए भी
पोस्ट पे वो हायर अधिकारी वही बैठे हैं, अगर एक दो हमारे लोग हैं भी तो वो लोग अपनी नौकरी बचाएंगे कि वहाँ आवाज उठाएंगे। तो स्थिति ऐसी है कि हमारे 50% को अगर रिप्रेजेंटेशन उसमें आना है, मैं आपको कहते हैं कि देश को कौन चलाता है, CM, PM और DM, है ना। CM इसलिए कि वो राज्य में चलाता है, DM इसलिए कि वो जिलाधिकारी बन के वो पूरे अपने जो भी यहाँ तक कि मंत्रालय के जो भी सचिव रैंक के जो भी पोस्ट में अधिकारी बनते हैं उनको सारी जानकारी होती है, जो भी मंत्रालय में कुछ भी निकाला जाता है या मंत्रालय में किसी भी तरह का पोस्ट हो या किसी तरह का उनको नए नए नियम बनते हैं, पॉलिसीज बनते हैं, उस पॉलिसीज में हम कहीं है नहीं क्योंकि उन्हीं लोग के सारे कुछ सारे लोग हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से यहाँ पे आप लोगों से भी अनुरोध करते हैं, आप लोगों से भी कहते हैं कि इस समय चुनाव का माहौल है, इस समय थोड़े अगर आवाज़ ज़्यादा मजबूत हो, यह नहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे कम सब्सक्राइबर हैं नहीं पहुंच पाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। जिनको जानकारी जिनको मेन चाहिए, जो लोग इस मुद्दे को चलने नहीं देना चाहते ना, उनका सारा दिमाग यहीं पे होता है, उन्हें सब पता हो चल रहा होगा कि क्या क्या चल रहा है, तो वो लोग चलाएंगे इसको और उनको चलाएंगे भी तो आपके व्यूअरशिप को कम करेंगे, इस तरह की स्थिति होगी। लेकिन हमें लड़ना पड़ेगा, हमें गुआनेक्सी बनाना पड़ेगा, हमें बहुजन समाज को मिल करके इंटरव्यू के खिलाफ लड़ना होगा कि इंटरव्यू खत्म होना चाहिए, चाहे उसके बदले में कोई भी टेस्ट ले ले, मेंटल एबिलिटी टेस्ट ले ले, दूसरी तार्किक विषय पे कोई भी टेस्ट ले ले, लेकिन हमारे लोगों को तभी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। थैंक यू सर।